हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को जॉइंट्स पेन के बारे में बताएंगे और जॉइंट्स पेन का बस एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो सभी तरह के जॉइंट्स पेन में काम करती है। ऐसे होम्योपैथिक में जॉइंट्स पेन का बहुत सारी मेडिसिन है। बात ये भी है कि होम्योपैथी जो है अगर सिम्टम पर ही आधारित है, अगर सिम्टम मिल जाए तो किसी भी पेन को ये खत्म कर सकती है। तो आज हम आप लोगों को बस जॉइंट्स पेन का एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन है बायोकेमिक 19 नंबर। तो बायोकेमिक 19 नंबर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सभी तरह के जॉइंट्स पेन में काम करती है और इसका जो भी कम्बिनेशन है वो भी इसमें बेटर ढंग से दिया हुआ है। दूसरी चीज़ है, अगर इसमें शोल्डर में पेन है वहाँ भी काम करती है, नेक में पेन है, गर्दन में अगर पेन है वहाँ भी काम करती है, यहाँ तक कि सटका का प्रॉब्लम है वहाँ अगर पैर में दर्द हो रहा है एक पैर में वहाँ भी काम करती है। दूसरी चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा खेल कूद रहे हैं और नस चढ़ गया तो उसमें भी ये 19 नंबर मेडिसिन बहुत बेटर काम करती है। तो कहने का मतलब है कि सारे जॉइंट्स पेन में बायोकेमिक 19 नंबर मेडिसिन है बहुत ही बेटर काम करती है। यहाँ तक गठिया केस में भी बायोकेमिक 19 नंबर मेडिसिन बहुत बेटर काम करती है। अब गठिया में होता है क्या, यूरिक एसिड हाई होता है, तो यूरिक एसिड का एक ही मेडिसिन है होम्योपैथिक में और मेडिसिन, लेकिन जो बेस्ट मेडिसिन है वही बताया जा रहा है। उस मेडिसिन का नाम है गठिया में आर्टिका रेनस। अगर आर्टिका रेनस की मदर टिंचर के साथ 19 नंबर मेडिसिन भी दी जाए तो गठिया की प्रॉब्लम भी काम करती है। माई पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन बता रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी जॉइंट्स पेन है उसमें बायोकेमिक 19 नंबर मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है और आप मार्केट से जाकर के आराम से लेकर उसे यूज भी कर सकते हैं। ये 19 नंबर मेडिसिन है SBL कंपनी की। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा और मेरा एक बेल बटन हो तो वहाँ पर भी दबा दीजिएगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के पास पहुँचे। और बस आप लोगों को शॉर्ट फिल्म में एक चीज़ जो भी बताने जा रहे हैं बस 100% राइट, जिसे आज हमने इस तरह बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बताया, तो बस वो ज्वाइंट पेन में काम करती है किसी भी ज्वाइंट्स पेन में। और उसके बाद अगर कुछ और किसी तरह का सीवियर ज्वाइंट्स पेन हो तो फिर नज़दीक के फिजिशियन जा कर के आप फिर संपर्क करके उसमें दवा जोड़ सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे दोबारा करें तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।